इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोबाइल पर कोरोना काल में अफवाहों का बाजार गर्म है। अजीब अजीब सी थ्योरी दी जा रही है, कुछ तो इतनी खतरनाक हैं कि जानलेवा तक साबित हो सकती हैं। सरकारी गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए व्हाट्सएप यूट्यूब में कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। इससे बचाने वाला ये शो वायरस का वायरल सच है, सही जानकारी, वो भी डॉक्टरी सलाह के साथ। क्या फिटकरी के पानी से कोरोना मर जाता है? क्या लाल प्याज में सेंधा नमक डालकर खाने से कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है? क्या सांस रोकने से कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है? कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इस बहुरूपीय वायरस की चाल पता लगाने के लिए अमेरिका से लेकर जापान तक काम कर रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए एकमात्र हथियार वैक्सीन है। अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जिसको खाएं और चंद मिनटों में कोरोना संक्रमण खत्म हो जाए। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक डॉक्टर्स ने सोशल मीडिया के नकली वैज्ञानिक घर बैठे ही कोरोना का इलाज ढूंढ निकालने का दावा कर रहे हैं। मैसेज, वीडियो, ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में अगर एक कदम गलत पड़ा तो जान तक जा सकती है। ऐसे में कौन सा वीडियो सच्चा है, कौन सा वीडियो झूठा है, किस पर यकीन करें, किसको फॉरवर्ड करने से बचें, ये जानना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया में एक वीडियो जबरदस्त वायरल है जिसमें फिटकरी के पानी से कोरोना का इलाज समझाया जा रहा है। परिवारों की रक्षा हो सकती है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। बाजार से एक चीज लाना है जो महंगी भी नहीं है इतनी कि आप ला ना सको, और वह चीज है फिटकरी। फिटकरी आप अपने अपने घर में फिटकरी को रखिए। और ये फिटकरी क्या करना है आपको? आपको करना है जब भी आप भोजन करें, भोजन करने के बाद आधा गिलास पानी लेकर के उसमें फिटकरी को डिल्ले को लेकर के आप 7 बार 8 बार उस पानी में घुमा लीजिए और उस पानी से कुल्ला कीजिए, तो आप देखेंगे आपको दुनिया के सभी कंपनियों के पेस्ट भी फैल हैं, सभी प्रकार के मंजन भी फैल हैं। यदि आप फिटकरी के कुल्ले को करते हैं, गरारा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके गले में यदि फिटकरी का रस पहुंच गया है, फिटकरी का पानी लग गया है, दांतों में, मसूड़ों में, गले पर स्पर्श हो चुका है, तो उस गले में कोरोना वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है। फैक्ट चेक में इस वीडियो को पीआईबी ने फेक बताया है, यानी ऐसे किसी दावे पर विश्वास करना गलत होगा। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे वीडियो पर यकीन करते हैं। इसलिए फिटकरी के पानी से कोरोना मरीजों के ठीक होने का क्या सच है, ये हमको मेडिकल एक्सपर्ट से जानना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक गलत धारणा है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। मेडिकली ऐसा सोचना ही गलत है। जो फटकरी होती है वो एलम कहते हैं उसको, और वो नहाने के पानी में एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ की जा सकती है, जाती है। इसका पानी बना के पीना तो बहुत डेंजरस हो सकता है, कई पेशेंट्स को कई तरह की प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ मत, ये मत करिए, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और ये सोचना, ये सिर्फ वायरल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता हूँ मैं इसे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड्स के ऊपर मत जाइए। और अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली डॉक्टर या अपने नियरेस्ट डॉक्टर से टेली कंसल्ट कीजिए और उसका इलाज करवाइए। इन तरह की भ्रांतियों में प्लीज़ पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक और वीडियो सोशल मीडिया मोबाइल में बहुत फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना से 50,000 लोगों की मौत होने वाली है। WHO की तरफ से आ रही है बहुत बड़ी खबर, आज हम आपको देंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। भारत के आने वाले 72 से 108 घंटे हो सकते हैं भारत के लिए भारी, 50,000 से ज्यादा हो सकती है मौतें। अगले 20 घंटे भारत के लिए भारी, WHO ICMR की भारत को WHO की तरफ से आ रही है बहुत बड़ी खबर, आज हम किसी न्यूज चैनल की तरफ ब्रेकिंग बनाकर उसमें किसी की आवाज डालकर पब्लिक के बीच में अफवाह फैलाई जाती है। फैक्ट चेक में ये दावा, ये वीडियो 100% झूठा निकला। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है तो उसको भी सच समझाइए।
क्या लाल प्याज में सेंधा नमक लगाकर खाने से कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है? ये सवाल सुनते ही आपके कान चौकन्ने हो गए होंगे, क्योंकि हर घर में प्याज और नमक तो होता ही है। तो इस टोटके को जमकर आजमाया भी जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर प्याज वाली कोरोना थ्योरी वायरल कहां से हुई। एक लाल कलर की होती है, एक थोड़े से हल्के हल्के रंग के होते हैं, हल्के रंग के नहीं लेने, जो लाल लाल रंग के होते हैं ना उसमें आयोडीन बहुत होती है ना। हाँ ठीक है। जो थोड़े गहरे से रंग के होते हैं। हाँ। तो उनका छिलका हटा के उसको बारीक मतलब काटते जाना और खाते जाना है, ऐसा नहीं काट के रख लिया और फिर खाएंगे, वो नहीं करना है ना। जैसे हम सेब काट लेते हैं ना, काट लेते हैं और पीस निकाल निकाल के खाते हैं, लेकिन उसको सेंधा नमक लगा के खाना है। ये एक ही प्याज से वो, हाँ मैं आपको इसकी पोस्ट भेज दूंगी। वो बंदे ने लिखा है कि किसी वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, बोला अंदर कोई सा भी पेशेंट बोलेगा कि जिसको कि कोरोना पॉजिटिव है, मैं उसको आपके सामने खिलाऊंगा, 15 मिनट बाद आप टेस्ट कर लेना, नेगेटिव टेस्ट आएगा। एक फोन की रिकॉर्डिंग को जानबूझकर वायरल किया गया है, जिसके बाद कुछ लोग इस नुस्खे को आजमाने भी लगे, बाकायदा वीडियो दिखाकर समझाने लगे, तो कुछ लोग प्याज और सेंधा नमक के ठीक होने का दावा तक करने लगे। लाल प्याज जिससे काटने पे आंसू आते हैं, उसमें सेंधा नमक लगा के खाने से कोरोना जैसी बीमारी जुखाम ठीक होती है, ये मैंने अजमा के देखा है। मेरे भाइयों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोग जो इस भय से डर रहे हैं उसको एकदम आराम मिले, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इन दावों में कितना दम है? क्या लाल प्याज वाकई में कोरोना का रामबाण इलाज है? मेडिकल बेसिस नहीं है। लाल प्याज में सेंधा नमक मिला के खाना ये एक टेस्ट की चीज हो सकती है, इससे कोरोना का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोरोना कोई जीव नहीं है जो आपकी नाक के अंदर बैठा है, जो आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए नीचे पेट से बाहर निकल जाएगा, और इनका कई बार बहुत बुरा असर पड़ता है जब पेशेंट सिक होते हैं और वो ये सब करना स्टार्ट करते हैं, सो वो और ज्यादा बीमार होते जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो ये घर पे ऐसे अलूल जुलूल इलाज करते रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्लीज इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे मत जाइए, काला नमक, सेंधा और लाल प्याज ये सब बिल्कुल बेकार चीजें हैं, प्लीज इनको मत करिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप अच्छा खाना खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, प्रोटीन्स को डाइट में बढ़ाइए, ये सब करिए। क्या पानी नदी से कोरोना संक्रमण फैलता है? क्या पानी से कोरोना फैलता है? अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति नदी में नहा रहा है या किसी कोरोना संक्रमित की लाश नदी में तैरती पाई जाती है, तो क्या नदी से कोरोना फैल सकता है? इस सवाल ने कई गांव वालों को परेशान कर रखा है, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, इसलिए सच क्या है वो सुनना सबसे जरूरी है। देखिए, ऐसे विषय, ऐसे जगह जिस तरह के बारे में आपने बताया, उस तरह से ट्रांसमिशन की फिक्र नहीं है। प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है जब लोग बात करते हैं और आसपास में, बहुत पास में हो अगर दो लोग, तो आसपास में जब ड्रॉपलेट गिरती है, तब वो ड्रॉपलेट मान लीजिए कोई छू लेता है, तब पानी से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वो फैलती है एरोसॉल में, एयर फ्लो पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो अगर इस तरह हो और यहाँ ना हो और वहाँ ना हो, थोड़ी दूर तक वो फैलेगी। जिस तरह आपके रसोई में आपका स्मेल आता है कुकिंग का, अगर बंद हो तो स्मेल ज़्यादा होती है, अगर खुला हो और फैल जाती है स्मेल जल्दी ही घट जाती है, उसी तरह वायरस भी अगर आप बंद कमरे में रहें तब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, अगर खुला हो तो गिर जाती है। खुले जगह में अगर आप आसपास में मिलके एक दुकान में कहीं और में भीड़ में बात करें, तब भी वो लोकली फैल होगी। तो इसीलिए यही प्राइमरी तरीका है। अभी दूसरे तरह से जैसे आपने बताया नदियाँ, वहाँ से वो घबराने की जरूरत नहीं है जिस तरह आपने बताया। क्या सांस रोकने से कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है? ऐसा वीडियो आपने जरूर देखा होगा, मोबाइल में या फिर सोशल मीडिया में इस पर नजर जरूर गई होगी। आपने भी अपनी सांस रोककर खुद का कोरोना और ऑक्सीजन टेस्ट किया होगा, पास होने में राहत की सांस ली होगी तो फेल होने में टेंशन हो गई होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है ये वीडियो ऑक्सीजन लेवल जांच करने का ये तरीका कितना सटीक है? PIB ने इस दावे को नकार दिया है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है वो भी जानिए।
वायरल हो रहा है ये सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो कि अगर आप सांस इस पॉइंट तक रोकेंगे तो उससे कोरोना के संक्रमण का पता चल जाएगा, बिल्कुल गलत है। ऐसे संक्रमण का बिल्कुल पता नहीं चलता। कोरोना के अंदर फेफड़ा इन्वॉल्व भी हो सकता है, फेफड़ा नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। संक्रमण तरह तरह के होते हैं। इस तरह की बातों के ऊपर बिल्कुल ना जाइए, बल्कि इस तरह का जो वीडियो वायरल भी कर रहा है, मैं तो कहूंगा कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अनसाइंटिफिक तरीके से। इससे होगा क्या, क्या आप एश्योर हो जाएंगे कि मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किया तो मुझे कोरोना का संक्रमण नहीं है और आप धोखे में रह जाएंगे? इनके चक्कर में बिल्कुल मत आइए, ये गलत खबर है। इस सवाल ने बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ कोरोना महामारी के बीच चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहने नजर आते हैं। दावा किया जाता है कि कोरोना छूने से भी हो सकता है, ऐसे में बहुत से लोग ग्लव्स पहनने को कहते हैं, तो काफी लोग हाथ धोने को ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। इस पर WHO का क्या कहना है वो जानते हैं। WHO का मानना है कि ग्लव्स पहनने से ज्यादा बार बार हाथ धोना सही है। मेडिकल टीम ग्लव्स पहनती है क्योंकि उनको ग्लव्स से जुड़ा काम करना होता है। आम जनता को हाथ धोना चाहिए। क्या मास्क पहनने से कोरोना फैल रहा है? कोरोना काल में मास्क ही वो हथियार है जो कोरोना से रक्षा करता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग मास्क पर ही सवाल उठा रहे हैं, वीडियो बनाकर पब्लिक में मास्क को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। पानी के बॉयल में डालें, उसके ऊपर इसको रखें 2 मिनट, फिर उसके जूम करके फोटो बनाएं, आपको इसमें काले काले बारीक बारीक तार से पतले पतले काले काले कीड़े चलते आएंगे। अच्छा। वही हम गर्म सांस लेके अंदर खींचते हैं और उसी से हमारे अंदर सबको कोरोना बीमारी फैल रही है। अच्छा, इसलिए नीले को बिल्कुल बायकट कर दीजिए और इनको सबको आग लगा दी वहीं पे। आपको कैसे पता लगा कि इसके अंदर जम्स है? इसको हमने चेक किया ना, खुद हमने सर्च किया, तभी हमने सर्च देखिए, आपके सामने हमने 200-300 जम्स को आग लगा दिया मास्क को। ये बीमारी का घर ही है। आपसे निवेदन है, ऐसे किसी भी वीडियो पर यकीन मत करिए, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। मास्क ही एक साधन है हमारे पास में, मास्क ही है जो कि आज की तारीख की वैक्सीनेशन है, मास्क ही है जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, ना केवल हिंदुस्तान में लेकिन पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अगर कोई भी ये अफवाह फैला रहा है कि मास्क के अंदर कीड़े होते हैं और आप कीड़ों को उसको मत पहनिए नहीं तो कीड़ों से संक्रमण होगा, बिल्कुल गलत फहरा रहा है। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को मास्क पहनने के लिए डिसवेड कर रहा है, जो लोगों को मास्क पहनने के लिए डरा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है और इसकी इन बातों के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक डॉक्टर्स ने तो अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हो जाता है। जिसके जो मन में आता है वो थ्योरी देने लगता है। पहले ये फर्जी दावे मुंह जबानी ज्यादा नहीं फैल पाते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप सोशल मीडिया के आने से फेक न्यूज को उड़ाना आसान हो गया है। ऐसा ही एक ऑडियो वायरल है जिसमें क्या दावा किया जा रहा है, पहले वो सुनिए। क्या लोग कोरोना से नहीं 5G टेस्टिंग से मर रहे हैं? इसका मतलब रात के 6 ऊपर सोना बेकार है फिर तो? एकदम बेकार है, घर में ही रहे और जहाँ तक हो सके तो अंडा वगैरह सब खाए, मीट वगैरह खाए, ठीक है। अजय जी, तो ये कितना दिन 5G कितना दिन चलेगा? ये मई तक है, मई तक आपका 4 या 5 दिन तो इनका लॉन्चिंग है, मई तक में ना पूरा ये आपका कश्मीर सब पकड़ लेगा, ठीक है, इधर खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग मैंने इसी को जैसे गला सूख रहा है। हाँ, बहुत तगड़ा गला सूखेगा, क्या समझ रहे हैं आप? पानी पीते रहे, गला गीला रखिए हमेशा, महाराज गला सूखे ना, पानी बगल में पानी लेकर सोइए, गर्म पानी लेकर सोइए। काले के साड़ू कैसे हुआ, टक दे मर गया यार। तो मैं बता दे रहा हूँ ना, ये ज्यादा शोर भी नहीं किया गया है, ठीक है। शोर टरवा उठा उखा फेंकना चालू करेंगे नहीं जनता, आप जनता के हित में काम हो रहा है, कई दूसरे के हित में काम हो नहीं रहा है, ऐसे खाई कोरोना नाम दे दिया गया। सुना आपने, कोरोना को कई जगह पर 5G टेस्टिंग का नाम दे दिया गया है। जनता के बीच ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि लोग कोरोना से नहीं 5G टेस्टिंग से मर रहे हैं, ये दावा एकदम 100% झूठा है। संक्रमण एक बहुत ही सीरियस डिजीज है और ऐसा नहीं है कि ये 5G से लोग मरने लग गए, कोरोना से नहीं मर रहे हैं। कोरोना संक्रमण एक सीरियस डिजीज है जिसका हम टेस्ट करते हैं,
जिसमें कि वायरस की डिटेक्शन करते हैं, चाहे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट से करें या आरटीपीसीआर टेस्ट से करें, उसके बाद इसका साक्षात्कार, इसका जो प्रमाण है वो हमारे सामने साक्षात्कार होता है, फिर हम उसका इलाज करते हैं। और मृत्यु कोरोना की वजह से है, बिल्कुल भ्रमित नहीं हो कि ये 5G या 4G या 3G की वजह से ये मृत्यु हो रही है। एक बात सच है, कोरोना को लेकर पब्लिक में जबरदस्त पैनिक है। हर रोज हजारों लोगों की जान जा रही है, लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है। ऐसे में कई बदमाश इस मुश्किल दौर में अफवाह उड़ाने लगे हैं। ऐसे लोगों का अलग अलग मकसद होता है, लेकिन नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसलिए किसी भी वीडियो पर, टोटके पर, नुस्खे पर, सुनी सुनाई सोशल मीडिया में दिखी दिखाई बातों पर यकीन मत करिए। आप भी सतर्क रहिए और अपनों को भी सतर्क रखें, क्योंकि कोरोना से बचना है तो सावधान रहना होगा। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक दस्तखत पर क्यों छिड़ी है दुनिया भर में बहस। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।